नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छुपाने में नाकाम रही। बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट यूपी ने पहुंचाई, जहां एक शत्र काबिज रही पार्टी महज 33 लोकसभा सीटों पर सिमट गई। इन दोनों बीजेपी में कई स्तरों पर समीक्षा का दौर जारी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें भी हो रही हैं। देर शाम राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की खूब चर्चा है। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। जुलाई के अंत में होने वाली ये बैठक पार्टी का महामंथन होगी। क्या होगा इस बैठक का एजेंडा और आने वाले दिनों में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दुनिया भर के चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना चुनाव आज तक है। इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अब बात बीजेपी के महामंथन की। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस महीने के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य सरकारों और संगठन के कामकाज में समन्वय स्थापित करना है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक की चर्चा भी होगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राज्य सरकार और बीजेपी संगठनों के साथ केंद्र के समन्वय पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन साधारण रहने के कारण इस बात की चर्चा है कि कई राज्यों में बीजेपी संगठन और सरकारों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। मंगलवार शाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश प्रमुख भूपेंद्र चौधरी को जेपी नड्डा ने तलब किया था। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी समिति की बैठक के दो दिन बाद केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे थे। इस बैठक में मौर्य ने कहा था कि पार्टी संगठन सरकार से बड़ा है। सभी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। आइए आपको मौर्य का वो बयान सुनवाते हैं। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन बीजेपी कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि 2014 और उसके बाद के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट थे, बीजेपी 2024 में भी उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुँचाया है। इधर यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर ये जारी रहा तो पार्टी को वोट कौन देगा। मीडिया से बात करते हुए निषाद ने कहा, गरीबों को उखाड़ो। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े एक मराठी साप्ताहिक ने अपने नवीनतम अंक में महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। इसमें कहा गया कि अजीत पवार के साथ गठबंधन के कारण भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी और निराशा थी। यह भी कहा गया कि पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं और राज्य में एनडीए सरकार के बीच संवाद की कमी में भी महाराष्ट्र में भाजपा को नुकसान पहुंचाया। जाहिर है बीजेपी में जारी इस उठापटक के बीच पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली बैठक काफी अहम होगी। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।